सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि तीन कॉन्टिन्यूस फाइटें मैंने विन की हैं और फाइनल जो है मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सका और अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर मेडल मैंने विन किया है। अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल के दौरान मेरे घुटना थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था जिस वजह से मुझे फाइनल में मुझसे ठीक तरह से टेक्निक नहीं हो पा रही थी और काफ़ी ज़्यादा मुझे दर्द का भी सामना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी एफर्ट की, इसके बावजूद भी बहुत अच्छी फाइट हुई है। तो कभी सिल्वर मिलता है कभी गोल्ड मिलता है, ये फिर हार जीत खेल का है। अगर आप पोडियम पे ब्रॉन्ज भी ले लेते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में भी मेडल था, 18 में भी मेडल है, अभी फिर मेडल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि कोई और पाकिस्तान में इस लेवल का खिलाड़ी होगा। बस अपनी कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है। जो मेन चीज़ है कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक हमारे पाकिस्तान में कैंप लगे हुए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल ट्रेनिंग नहीं हो पाई, जिस वजह से खिलाड़ी बहुत सारे खिलाड़ी मेडल से भी मिस हो गए हैं और बहुत से खिलाड़ियों का मेडल का कलर भी चेंज हो गया। तो ज़रूरी यह है कि अभी भी हम अगर जो खिलाड़ी डिजर्विंग हैं उनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाएं तो हमारे खिलाड़ी और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।